हेलो व्यूअर्स, दिस इज फरजीन। वेलकम टू फरजीन फूड मैजिक। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अफगानी चिकन तंदूरी। ये बहुत ही डिलीशियस, मज़ेदार और यम डिश है। तो आइए इसे बनाने का तरीका देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने चिकन ले लिया है और उसमें इस तरीके से काफ़ी सारे गशेस बना लिए हैं। जितने अच्छे गशेस बनाएंगे उतने ही अच्छी तरीके से मसाले जो है इसमें पेनिट्रेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका मैरिनेशन तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून दही ले लिया है। इसके साथ हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। मैंने यहाँ पर ग्रीन चिली का पेस्ट बना लिया है, वो मैंने 1 टीस्पून ऐड कर दिया है। 1/2 टीस्पून मैंने इलायची पाउडर ऐड किया है खुशबू के लिए। 1 टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा विनेगर। इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये सब एक दूसरे में अच्छे से कंबाइन हो जाए और उसके बाद हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। चिकन तंदूरी जितना ज़्यादा आप मैरिनेट करेंगे ये उतने ही अच्छी तरीके से बनकर आएगा, बहुत ही टेंडर और बहुत ही जूसी बनेगा। हमें इसके कट्स के अंदर अच्छी तरीके से मसाले लगा लेना है ताकि ये जूसी और टेंडर अंदर तक पके अच्छी तरीके से। तंदूरी चिकन स्मोकी फ्लेवर के बिना अधूरा है। तो यहाँ पर मैंने एक वाटी प्लेस कर ली है, इसमें कोल डाल दिया है, इस पर ऑयल ड्रिजल कर देंगे और इसे स्मोक होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। मैंने इसे ओवरनाइट मैरिनेशन के लिए रख दिया है। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप सिर्फ 1 घंटा रख सकते हैं या मैक्स टू मैक्स 6 घंटा रख सकते हैं, बट मेरे पास वक्त था तो मैंने ओवरनाइट रख लिया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मैरिनेशन की तरफ। तो मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून बेसन का आटा रोस्ट करके ले लिया है। यहाँ पर मैंने 8-10 काजू का पेस्ट बना लिया है और थोड़ी सी कसूरी मेथी को तवे पर रोस्ट कर लिया है। अब हम मैरिनेट कर देंगे चिकन को, क्योंकि अफगानी चिकन जो है वो काजू के बिना अधूरा है। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को इसमें एक एक करके डाल देंगे। बेसन का आटा जो है इसके सारे मसालों को एक अच्छी बाइंडिंग देगा ताकि जो मसाले हैं वो इसमें अच्छी तरीके से चिपक जाए। इन केस आपके पास अगर बेसन का आटा नहीं है तो आप आरारोट भी यूज़ कर सकते हैं। इन सारे मसालों को इस पर अच्छी तरीके से लगाने के बाद अब चलते हैं फ्राइंग की तरफ। हम इसे पैन में बनाने वाले हैं। मैंने यहाँ पर पैन गरम कर लिया है और इसमें थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल कर दिया है। आप चाहें तो इसमें बटर भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट देंगे इसमें। जैसे ही तेल गरम हो जाए तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन के पीसेस। इसका टोटल कुकिंग टाइम है 20 से 25 मिनट लो फ्लेम पर। हम इसे लो फ्लेम पर कुछ देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे लो फ्लेम पर। इसकी एक साइड तकरीबन पक चुकी है तो अब हम इसे टर्न कर लेंगे और इसे दूसरी साइड से भी पका लेंगे। सारे मसाले इसमें अच्छी तरीके से चिपक चुके हैं और ये चिकन भी अच्छी तरीके से पक चुका है, तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब चिकन को हमें फाइनल टच देना है, तो चिकन को हम डायरेक्टली गैस पे तंदूर कर लेंगे। चिकन को हमें गैस पे डायरेक्टली इस तरीके से तंदूर कर लेना है। बस हम इसे हल्का सा ही करने वाले हैं ताकि इसका जो वाइट कलर है वो वैसे ही रिटेन रहे। देखिए, मैंने इस पे हल्के 4 मार्क्स आने तक ही इसे मैंने हल्का सा तंदूर कर लिया है। अब हम इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे और दूसरे चिकन के पीस को भी इसी तरीके से हम तंदूर कर लेंगे। एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि ये गैस पे जो तंदूरी चिकन के पीसेस गिरे हैं वो आपको जल्द से जल्द साफ़ कर लेने चाहिए, वरना ये बाद में चिपक जाएंगे। तो चिकन अफगानी तंदूरी रेडी है सर्व करने के लिए। ये बहुत ही अच्छी लगती है पुदीने की चटनी के साथ। मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे बताने की कोशिश की है रेसिपी में। बिना तंदूर बिना ओवन के हमने बहुत ही परफेक्टली इसको बना लिया है। देखिए ये कितना टेंडर और कितना जूसी बना है अंदर से। बहुत ही क्विक रेसिपी है, आधे घंटे में बिल्कुल बनकर तैयार हो जाती है। आपके घर में कोई फंक्शन या पार्टी हो तो आप इस वाले स्टार्टर को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपके मेहमान उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर हिट कीजिए एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।